गुड मॉर्निंग गाइज, तो आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी फ़िलहाल हूँ मैं गोकर्णा में, गोकर्णा के बस स्टैंड पर। इस टाइप से कुछ बस स्टॉप है यहाँ का। अभी मैं सुबह ही पहुँचा यहाँ पे, समथिंग 8 बजे। श्री महागणपति तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं गोकर्णा में, और गोकर्णा में आज ही सुबह पहुँचा हूँ, समथिंग 7:30-8 बजे। और अभी टाइम 10:15 बज गए हैं। तो अभी जिस लोकेशन पे मैं हूँ ये है गोकर्णा बीच, और गोकर्णा बीच जस्ट बस स्टैंड है जो यहाँ का गोकर्णा का, उधर से समथिंग 1 किलोमीटर समथिंग पड़ती है, पास में ही है। और काफ़ी अच्छी बीच है, ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, और इस टाइप की बीच मुझे पसंद है, इसलिए मैं गोकर्णा आया हूँ एक्चुअली। तो जो गोकर्णा लोकेशन है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट मैं फिर भी बता दूँ, गोकर्णा कर्नाटका में आता है और ये पास में पड़ता है गोवा के। गोवा से समथिंग अगर आप डाउन साइड में आओगे कोस्टल एरिया में, तो समथिंग 100 किलोमीटर डाउन में पड़ता है गोकर्णा। और गोकर्णा फेमस है मोस्टली फॉर बीच के लिए, क्योंकि जो बीचेस गोवा में हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्राउड होता है, तो जो ट्रैवलर्स होते हैं, बैकपैकर होते हैं, वो ज़्यादातर वो भी मतलब मोस्टली गोवा को तो लाइक करते ही हैं, उसके बाद गोकर्णा को भी लाइक करते हैं। तो मैं भी इधर आ गया हूँ, अब देखते हैं यहाँ की बीचेस कैसी हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ, तो एक्चुअली मेरा प्लान है कि मैं पहले तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे आया हूँ। ये है मेरा बैग, इस बार मैंने ये सब कैरी किया है, तो ये बड़ा बैग लेके आया हूँ। और अभी मेरा प्लान है कि मैं इस बीच पे ना नहाऊँ, जो नेक्स्ट बीच है कुंडले बीच, उस पर जाऊँ, क्योंकि कुंडले बीच का मैंने देखा है कि वहाँ के रिव्यू कुछ ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू दिस बीच। मीन्स ये भी बीच अच्छा है, बट यहाँ पर जो वेव्स हैं वो थोड़ी स्लो हैं। और अच्छा है, मतलब अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं नाइट के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, और वॉकिंग करना चाहते हैं मतलब पानी के अंदर, तो ये बीच अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है। और जो इसकी लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ काफ़ी दूर तक मतलब दिख रहा है एरिया। और इस साइड एक छोटा सा ये पहाड़ है, और जो मैप में लोकेशन दिख रही है उसके हिसाब से कुंडले बीच है जो शायद इसके अपोजिट में है, बट फिर भी मैं एक बार वहाँ पे जाऊँगा, आपको वो बीच भी दिखाऊँगा। तो आप ये बीच देखिए मेरे साथ यहाँ की, तो आप मेरे साथ यहाँ पे एंजॉय करिए, और मैं तो एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो साथ में यार वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर भी करते जाइए, क्योंकि यार वीडियो अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो मतलब रीच नहीं बढ़ रही है, हमारी रीच नहीं बढ़ रही है वीडियोस की, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हम इस टाइप की वीडियो बना भी रहे हैं। फिर भी यहाँ पे थोड़ा और मैं टाइम व्यतीत करूँगा। अगर ये जो लोकेशन है एक, अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करके साथ में यहाँ पे पास में टेम्पल है, दो टेम्पल है, महाबलेश्वर टेम्पल और एक और गणपति टेम्पल है, वहाँ भी जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। उसको वहाँ उस टेम्पल में भी हम जाएंगे, बट हम बाद में जाएंगे, तो पहले क्योंकि ये जो व्यवस्था मुझे देखनी है वो मैं आपको बताऊंगा शाम को, मैं क्या करने की सोच रहा हूँ और किस पर्पज़ से मैं मीन्स यहाँ पे आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहता हूँ, बट अगर वो पॉसिबिलिटी होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि क्या ट्राई करना चाहता हूँ। पहले आप इस बीच को देखिए, इन्जॉय करिए। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है अरवियन सी, और मीन्स इसमें गोवा वाला जो रीजन है, गोवा, गोकर्णा, महाबलेश्वर तो यहीं पे है, उसके बाद उड़पी वाला जो रीजन आता है ये अरवियन सी है। तो अरवियन सी में मैं सेकंड टाइम आ रहा हूँ, इसके पहले मैं फर्स्ट टाइम गया था उड़पी, तो उड़पी में भी काफ़ी मज़ा आया था, वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था, और यहाँ पे बट मैं अकेला आया हूँ।
बट टांगे देखते हैं कि कितने फ्रेंड्स बनते हैं यहाँ पे। यहाँ इस बीच पे जो गोकर्णा मेन बीच है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह की भी फैसिलिटी है जो स्पोर्ट के ना स्पोर्ट के हिसाब से, और कुछ कैफेज़ वगैरह भी हैं यहाँ पे पास में ही, तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बट काफ़ी शांत टाइप का माहौल है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, ना ज़्यादा कोई क्राउड एरिया है, क्राउड एरिया नहीं है, सबसे अच्छी बात वही है। तो थोड़ी आगे तक होके आता हूँ, देखता हूँ और आगे क्या है। आई थिंक कुछ हॉस्टल टाइप की या कैफे है, देखता हूँ क्या है वैसे वहाँ पे। यार इस बार ये बैग लेके आया ना, तो मतलब आज महसूस हो रहा है जो और भी ट्रेवलर्स हैं ना, उनकी वीडियो देखता था ना, तो बोलते थे ना भाई इधर दर्द होने लगा तो वैसी कुछ फीलिंग आ रही है। उतना वेट तो नहीं है जितना वो कैरी करके चलते हैं अपने बैग में, वो उतना वेट मेरे बैग में नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट 10+ kg तो वेट होगा, 10 kg समथिंग वेट होगा मेरे बैग में, प्लस भी निकल सकता है, मतलब 10-15 के बीचों बीच होगा। तो काफ़ी कंधों पे जोर है आज यहाँ पे कुछ लोग कर रहे हैं फिशिंग और जाल को खींच रहे हैं, नेट को खींच रहे हैं अंदर से समुद्र से। मुझे लगता है कुछ बड़ी मछली फंस गई है। ओ कोई फिश नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं आई थिंक। बस पहले मैं सोचता था कि समुद्र में ऐसे ही जाल फेंको और शायद मछली फंस जाती होंगी, बट बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब वर्क है समुद्र में से मछली निकालना। और अभी आपने एक देखा होगा कि एक लेडी थी तुलसी गोड़ा जी, जिनको पद्मश्री मिला था, और वो इसी वेशभूषा में कुछ थी। मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ आंटी को। हेलो आंटी। तो इसी टाइप से उनका मिस साड़ी पहनने का तरीका था, तो मुझे लगता है कि वो आसपास यहीं कहीं से बिलोंग करती है। तो ये कुछ रिजॉर्ट हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट या हॉस्टल हैं, हॉस्टल टाइप से या कैफ़े हैं चिल आउट करने के लिए। तो अगर आप मीन्स यहाँ पे गोकर्ण बीच पे आते हो ना, तो यहाँ पे मतलब जैसे ही अगर आप वहाँ पे आओगे ना उस प्लेस पर, उधर से बस स्टॉप से डायरेक्ट आते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे रुकने के लिए कुछ खाने के लिए ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। बट जैसे ही आप अंदर आओगे ना, मैं अभी अंदर आया, तो यहाँ पे कुछ कैफ़े कुछ हॉस्टल दिख रहे हैं, कैफ़े तो हैं ही। देखिए एक वो है कैफ़े वहाँ पे, ये भी है, आगे भी हैं, और भी आगे कुछ है खेलने के लिए, स्पोर्ट के लिए व्यवस्थाएँ हैं, तो वहाँ पे भी कैफ़े होंगे। तो ये आपने देखा, ये था गोकर्णा बीच, गोकर्णा मेन बीच, सबसे बड़ा बीच यही है। यहाँ पे मैंने एक कैफ़े वाले भैया हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया। और ये बीच मतलब आगे काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी, तो काफ़ी लंबाई है, वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़े और रुकने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा एक रूम का 24 आवर्स का 750 लगेगा, बट मुझे यहाँ पे स्टे नहीं करना है, मुझे जाना है कुंडले बीच। तो कुंडले बीच जाने के दो रास्ते हैं यहाँ पे, या तो आप बाई रोड चले जाएँ या फिर आप ट्रैकिंग करके जाएँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैकिंग करके जाऊँ, देखता हूँ एक बार ट्राई करता हूँ। और ट्रैकिंग करने का जो रास्ता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और ये आपने देखा, ये है गोकर्णा मेन बीच, जो कि इस तरह से है, और ज़्यादा क्राउड नहीं है अभी। यार अभी
11 बजने वाले हैं, बहुत तेज़ धूप है और मैं सनस्क्रीन नहीं लेके आया तो हालत टाइट होने वाली है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइट होने वाली है हालत एक बार। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे सनस्क्रीन मिल जाए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और अभी ये मंथ यार बताओ, नवंबर में इतनी तेज़ धूप है तो मार्च अप्रैल मई में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो आने का सबसे अच्छा टाइम है वो है अक्टूबर टू आप फरवरी तक यहाँ पे आइए, तो उस टाइम थोड़ी गर्मी कम रहेगी और यहाँ का मतलब एरिया घूमने फिरने के हिसाब से अच्छा है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ये जो पीरियड मैंने आपको बताया इस महीने में आने में सही रहेगा। चलिए कहीं पे यार सनस्क्रीन देख लेता हूँ एक, क्योंकि अगर सनस्क्रीन मिल जाएगी तो मेरा एक काम बन जाएगा। तो अभी जो एक रास्ता पता चला है कुंडली बीच जाने का, उसमें एक है कि भाई रोड आप जाओ या फिर आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। तो ट्रैकिंग करने के लिए सामने जो आप एक पहाड़ी देख रहे हैं ना, इसको क्रॉस करके जाना है। तो एक बार मैं ट्राई करूँगा कि यहीं से ट्रैकिंग करके डायरेक्ट निकल जाऊँ, क्योंकि बाई रोड जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके पहले यार एक सनस्क्रीन देख लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप लग रही है, अगर मिल जाती है तो ठीक रहेगा, ट्राई करता हूँ।